दोस्तों 47.66 लाख करोड़ रुपए। ये अमाउंट सुनकर आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जरा सोचिए सिर्फ 140 करोड़ लोगों के लिए 46.66 लाख करोड़ रुपए का खर्च बांटा जाता है, लेकिन फिर भी देश से गरीबी दूर नहीं जाती। आखिर सरकार इन पैसों का करती क्या है, कहाँ खर्च करती है, हमें पता ही नहीं चलता। हर साल 1 फरवरी को देश के फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बजट पेश किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि सरकार कितना पैसा कमाती है और कहां कहां खर्च करती है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ये जो बजट पेश किया जाता है और उनमें किए गए वादे कितने शत प्रतिशत सच होते हैं। बजट की तैयारियों में राजस्व विभाग, उद्योग संघों, वाणिज्य मंडलों, किसान संघों, ट्रेड यूनियनों, इकोनॉमिस्ट जैसे अलग अलग सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के साथ वित्त मंत्री चर्चा करती हैं। बजट की तैयारी के पहले हिस्से में आर्थिक मामलों के विभाग की बजट डिवीजन द्वारा सभी मंत्रालयों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त निकायों और रक्षा बलों को सर्कुलर भी जारी किया जाता है। बजट बनाने में सबसे बड़ा योगदान वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और दूसरे मंत्रालयों का होता है। सरकार हर साल बजट बनाकर दो काम करती है। पहला, अगले फाइनेंस ईयर में देश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग, विनिर्माण, शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी, स्वास्थ्य, रक्षा, परिवहन आदि में किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों में होने वाले खर्चों का अनुमान लगाती है। अगले फाइनेंस ईयर के लिए अनुमानित खर्चों को पूरा करने के लिए फंड्स की व्यवस्था करने के लिए जरूरी उपाय जैसे कुछ चीज़ों पर कुछ खास तरह के नए टैक्स लगाने या बढ़ाने अथवा किसी वस्तु या सेवा पर पहले से दी जा रही सब्सिडी को कम या खत्म करना आदि करती है। हर साल बजट प्रस्तुत करके सरकार को यह पता चल जाता है कि देश में किस क्षेत्र में ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है और किस में कम। इस प्रकार से सरकार देश के हर राज्य, जिन राज्यों का विकास कम होता है उनमें ज़्यादा उद्योग और शिक्षा, अस्पताल जैसे संसाधनों को खोला जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हर क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। फाइनेंस ईयर 2023 में जारी बजट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक सरकार अपनी कुल कमाई का ज़्यादातर हिस्सा ब्याज भुगतान पर खर्च करती है। इसके बाद टैक्स और ड्यूटीज में राज्यों के हिस्सों का पेमेंट करती है, फिर सेंट्रल सेक्टर की स्कीमों पर खर्च करती है। अब अगर इसे हम उदाहरण से समझें तो मान लेते हैं कि सरकार का कुल खर्च 1 रुपये है तो ब्याज भुगतान 20 पैसे, टैक्स ड्यूटी में राज्यों का हिस्सा 18 पैसे, सेंट्रल सेक्टर स्कीम 17 पैसे, फाइनेंस कमीशन और अन्य ट्रांसफर्स 9 पैसे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 9 पैसे, सब्सिडी 7 पैसे। चाहे किसी की भी सरकार हो, देश चलाने में कर्ज बड़ा सहारा है। मनमोहन सरकार में कमाई में 27 से 9 पैसा कर्ज से आता था। मोदी सरकार में यह कर्ज कम जरूर हुआ, लेकिन कोरोना ने कमर तोड़ दी। कोरोना के दौर में सरकार की कमाई में कर्ज बेतहाशा बढ़ा। 2021-22 में सरकार की 1 रुपये की कमाई में 36 पैसा उधारी का था। 2023-24 में सरकार की कमाई में 32 पैसा कर्ज का था, हालांकि 2024-25 में थोड़ा कम होकर 28 पैसा हो गया। 2024 के अंतरिम बजट काफी न्यूट्रल नेचर का था, इसमें लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोई लोक लुभावन वादे नहीं किए गए। सरकार आश्वस्त है वह 2024 लोकसभा चुनाव में आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। साल 2019 में चुनाव में जब भाजपा सत्ता में आई तब उसके पास 3 महत्वपूर्ण राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ नहीं थे, लेकिन आज तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार है। तो ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि सरकार ने जो ये बजट पेश किया है ये इसका लोक लुभावन उद्देश्य नहीं है। इस विषय पर दोस्तों आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर